प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से है। कड़ाके की ठंड में डीएम उतरी सड़कों पर, जरूरतमंदों को बांटे कंबल। जनपद मुजफ्फरनगर में जहां धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड पर है। आज जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जय मुख्यमंत्री की वीसी खत्म होने के बाद तुरंत रेलवे स्टेशन, शेल्टर हाउस स्थानों पर पहुंची और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। जिलाधिकारी ने पूरे रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया, साथ ही साथ स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से भी बातचीत की। जिलाधिकारी ने यात्रियों से पूछा किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। वहीं यात्रियों ने जिलाधिकारी का आभार जताया, साथ ही जिलाधिकारी ने स्टेशन परिसर के बाहर निसहाय व गरीब लोगों से बातचीत की और उनकी समस्या जानी। जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर लोग खुश हो उठे और उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनका जिलाधिकारी ने तुरंत निदान कराया। वहीं एडीएम ने बताया कि जनपद में ठंड से बचाव हेतु गरीब लोगों के लिए 11 शेल्टर हाउस बनाए गए हैं। जगह जगह जनपद में ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था भी की गई है और समय समय पर सभी जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए जाएंगे। कंबल वितरण में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, एडीएम फाइनेंस आलोक कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह सहित पुलिस फोर्स मौजूद रहा। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। कंबल वितरण किए गए क्या है? शासन की तरफ से कंबल वितरण का निर्देश है, उसके क्रम में लगातार जो भी जरूरतमंद है और जिनको आवश्यकता है, जो गरीब है, उनको लगातार दिया जा रहा है। इसलिए कई बार रात्रि में भी चेकिंग की जा रही है अधिकारियों द्वारा, जैसे आज जिलाधिकारी महोदय ने किया कि कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं रह गया है जिसको मिल ना पाया, क्योंकि रात्रि में चलने पर अपने आप समझ में आ जाता है कि उचित व्यक्ति कौन है। तो इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि जो सबसे उचित व्यक्ति है वहां तक पहुंच करके प्रशासन द्वारा कंबल का वितरण कराया जाए। सर, जरूरतमंद को ही कंबल? हाँ, जरूरतमंद को ही कंबल। सर, अलाव की वगैरह की क्या व्यवस्था है? अलाव अभी जगह जगह जलाए जा रहे हैं, शीतलहरी बढ़ने के साथ साथ नगर पालिका द्वारा भी जलाया जा रहा है, तहसील के द्वारा भी जलाया जा रहा है। शेल्टर हाउस की क्या व्यवस्था? शेल्टर हाउस भी चल रहे हैं, 11 शेल्टर हाउस पूरे जनपद में चल रहे हैं इस समय। सर, जैसे ये आज कंबल वितरण किया गया, क्या लगातार चलता रहे? हाँ, लगातार चलता रहेगा।